हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल एंड अर्न मनी ऑन योर वीडियोज़। तो दोस्तों, ये टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, इस पर बात करेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बच्चन सिंह और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास गूगल का आईडी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे गूगल साइन इन कर लेते हैं। अगर आपके पास गूगल का आईडी नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं सीधे यूट्यूब पे जाता हूँ गूगल ओपन करके अपने क्रोम ब्राउज़र में। गूगल क्रोम ब्राउज़र में मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ। उसके बाद देखते हैं, ये मोबाइल वर्जन की तरह चल रहा है लेकिन हमको अपना चैनल बनाना है तो मैं डेस्कटॉप वर्जन में जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, वहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे टच करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये टच करने के बाद आपके सामने में ये खुला आपका यूट्यूब पेज, वो भी डेस्कटॉप वर्जन में। तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको टच करना है। उसके बाद यहाँ पे जो विंडो आएगी वहाँ पे आपको दिखेगा माई चैनल। माई चैनल में टच करेंगे आप। माई चैनल में टच करने के बाद उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर आप नया चैनल बना रहे हैं तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, लिखा है यूज़ यूट्यूब एज, मतलब किस नाम से आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। आपको जो यूट्यूब में आपको जिस तरह के कंटेंट्स डालने उस तरह से नाम डालिए, क्योंकि नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब चैनल के लिए। तो मेरा वीडियोज़ वाला ये यूट्यूब चैनल मैं बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम बी स्टार डाला है, जो कि मेरा दूसरा अपना ही चैनल है। तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं ऑफिशियल सॉन्ग में। तो यहाँ पे हम जाएंगे, अपना जो कवर फोटो है उसको लगाएंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, मैं गैलरी पे जाता हूँ सीधे, यानी जो और वहाँ पे यूट्यूब पे ऑलरेडी जो इमेजेस हैं कवर के लिए उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कोई एक कवर फोटो सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे नीचे फ्री में दिखा रहा है कि यहाँ पे किस तरह से आपको टीवी में देखने को मिलेगा, डेस्कटॉप और मोबाइल में किस तरह से देखने को मिलेगा। मैंने सेव कर लिया है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर की बात। प्रोफाइल पिक्चर में दोस्तों यहाँ पे आपको सीधे google.com पर रिडायरेक्ट करके ले जा रहा है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ एक फ़ोटो है बी स्टार की, मैं उसको लगा लेता हूँ। जैसे मैं गैलरी पर टच करूँगा, जो मेरी फ़ोटो है वो यहाँ पे ये मैं टच किया, उसके बाद ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी। थोड़ा प्रोसेसिंग है मैं है अभी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉपिंग वगैरह जिस तरह से आपको रखना है वो कर सकते हैं आप यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप है, आपका प्रोफाइल पिक्चर कंप्लीट हो गया है, लग चुका है, तो आप रिटर्न यूट्यूब के टैब में जाते हैं। जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे यहाँ पे अभी दिखाएगा नहीं प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, यूट्यूब में प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा लेट दिखाता है। तो चलिए फिलहाल आगे को शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, नीचे देखने को मिलेगा आपको चैनल डिस्क्रिप्शन। नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन में टच करेंगे तो यहाँ पे आप अपने चैनल के बारे में कि किस लिए आपका चैनल, आप किस तरह के कंटेंट डालते हैं वो भी लिख सकते हैं, या फिर मैं सिंपली अभी लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यानी सिंपली कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हेलो गाइस, I hope you like my videos. So please support me and subscribe my YouTube चैनल। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन था वो इस तरह से दिखेगा आपको, हेलो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल बी स्टार। बस ये हमारा जो चैनल डिस्क्रिप्शन था वो हमने लिख लिया है। तो इस तरह से आप जिस तरह के कंटेंट्स डालते हैं उसके हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, यहाँ पे आपको अभी देखने को मिलेगा आपका जो चैनल ऊपर वीडियो मैनेजर और जीरो सब्सक्राइबर, क्योंकि अभी मैंने ये चैनल नया ओपन किया इसलिए इसमें कोई सब्सक्राइबर तक है नहीं। यहाँ पे आपको चैनल सेटिंग में मिल जाएगी, प्राइवेसी किस तरह से आपको रखनी है, आपकी पास कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट में रहने देता डिफॉल्ट में, आपको जो पसंद है वो आपको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं,
यहाँ पे आपको कुछ और देखना है तो यहाँ पे थ्री डॉट जो ऊपर है वहाँ पे टच करेंगे। अभी मैं कोई एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फाइल टू अपलोड और ड्रैग ड्रॉप योर वीडियोस वीडियो फाइल। यहाँ पे कोई एक वीडियो मैं सिंपली अपलोड करता हूँ, जैसे कि मेरा एक वीडियो है, वेट, एक वीडियो मैं अपना अपलोडिंग पे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे पब्लिश हो रहा है, अपलोडिंग हो रहा है। पब्लिश करने से पहले नीचे देख लीजिए आपको वीडियो का टाइटल किस तरह से रखना है। तो यहाँ पे अब मैं वीडियो का टाइटल लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि वीडियोस जब आप अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल भी किस हिसाब से होना चाहिए, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं यूट्यूब हेल्प के लिए पार्ट टू बनाऊंगा। अभी ये जो है सिर्फ यूट्यूब चैनल क्रिएट और मोनेटाइजेशन का है। उसके बाद यूट्यूब ट्रिक्स, आप सब्सक्राइबर कैसे जल्दी पाएँ, किस तरह से यूट्यूब की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपका चैनल का जो आपके वीडियो का जो नाम है वो हो गया। उसके नीचे जो वीडियो के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने नॉर्मली लिखा है सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, तो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन हो गया, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन हो गया और अब प्रोसेसिंग डन हो गई अपलोडिंग की। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप वीडियो की थंबनेल चेंज भी कर सकते हैं, कुछ टैग्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मली टैग्स लिख सकता हूँ बिस्टर। उसके बाद ये हमारा हो गया, अभी इसको हम पब्लिश करने वाले हैं। पब्लिश करने से पहले टैग वगैरह ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से, और अपना थंबनेल आपको जो रखना है वो भी लिख सकते हैं। प्राइवेट आप जो भी करना है, पब्लिश या प्राइवेट जो भी करना है आप कर सकते हैं। मैं पब्लिक कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो वीडियो था वो पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, या फिर ईमेल वगैरह किसी को करना चाहते हैं अपनी वीडियो का लिंक, वो भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ये था नॉर्मल सेटिंग। उसके बाद जो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है, आपने वीडियो भी अपलोड किया है, लेकिन आप यूट्यूब के उन वीडियोस में पैसे तभी कमाएंगे जब आप उन वीडियो को मोनेटाइजेशन करेंगे। यहाँ पे आपको अभी देखने को मिलेगा जो मेरा एक वीडियो था वो अपलोड हो चुका है 28 सेकेंड्स पहले। तो अभी नो व्यूज़, कोई भी व्यूज़ नहीं है इसमें, कोई व्यूज़ नहीं है। तो एक बार मैं वीडियो मैनेजर में जाके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप सेटिंग वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास नीचे मिल जाते हैं। आप यूट्यूब पे भी खुद वीडियो एडिट कर सकते हैं, और उसके अलावा अपना जो नॉर्मल वीडियो अपलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं अपने चैनल में फिर से जाता हूँ, यहाँ पे वीडियो मैनेजर में टच करता हूँ। जैसे मैं वीडियो मैनेजर में जाऊँगा, यहाँ पे जो मेरा एक वीडियो अपलोड था वो दिखेगा मेरे को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 व्यूज़ लिखा आया है, और उसके ऊपर एक मार्क आया है, देख सकते हैं आप वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा मोनेटाइजेशन के बाद। यहाँ पे एक डॉलर का मार्क आएगा जो कि अभी नहीं है, मतलब मेरी वीडियो से अभी पैसे नहीं कमा सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल के डैशबोर्ड पे गया, तो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिला मेरे को टिप्स नोटिफिकेशन वगैरह। तो एक बार एनालिटिक्स भी चेक कर लेता हूँ। अभी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ एक वीडियो ही तो है, यहाँ पर नहीं दिखाएगा ऐसा कुछ। लोडिंग एनालिटिक्स, यहाँ पर अभी नो एक्टिविटी टू शो, अभी कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। तो चलिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ मोनेटाइजेशन की ओर, कि आप अपने वीडियो को किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। उससे पहले आप ये चेक कर लें आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाइड है कि नहीं है। ऊपर आपको जैसे देखने को मिला होगा कॉपीराइट स्टेटस, गाइडलाइंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो यहाँ पर अभी नीचे आपको देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन, ये अभी एनेबल आपको करना बाकी है। तो एनेबल पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको एक नीचे आपके पास कुछ लिखा हुआ आएगा। अभी लिखा आया है कि आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, आपका एनेबल आपका अकाउंट नहीं हुआ है। तो इसको आप यहां से एनेबल कर सकते हैं, एनेबल माय अकाउंट। यहां पर क्लिक करने के बाद आपका यहां पे कुछ टर्म्स वगैरह लिखे हैं, आप यहां से इनको पढ़ सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी चैनल है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं सीधे यहाँ पर एग्री कर लेता हूँ। सब कुछ यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, पढ़ने के बाद आप जब सभी कुछ में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आई एक्सेप्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। आई एक्सेप्ट, जैसे आई एक्सेप्ट आप करोगे तो उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइज माय वीडियोस एड फॉर्मेट्स, आप जो वीडियो में पैसे कमाते हैं वो वहाँ से आते हैं जो आपके वीडियो के ऊपर एड्स चलते हैं, तो आपको वो एड एनेबल करने हैं। इसका मतलब ही मोनेटाइजेशन होता है। तो
आप यहाँ पे मोनेटाइज ऑन करते हैं, तो मोनेटाइज का मतलब वैसे ये होता है कि जो आपकी वीडियोस पे ऐड चलते हैं उसका जो पैसे आते हैं गूगल 45% रखता है और आपको 55% देता है, वो ऐड से ही आप पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा डॉलर का मार्क, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको देखने को मिलेगा। अभी जीरो व्यूज़ है तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, तो अभी एक वीडियो मेरा है और वो मोनेटाइज हो चुका है। तो अभी इसके और भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, मैं आपको बताऊँगा। मोनेटाइजेशन के बाद आपको अभी अपना अकाउंट जो है गूगल एडसेंस से लिंक करना है। वो किस लिए? क्योंकि आप जो अपने वीडियोस पे जो पैसे, अभी एक व्यूज आ चुका है, आप जो अपनी वीडियोस में जो पैसे कमाएंगे वो पैसे आपको किस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मोनेटाइजेशन में टच करने के बाद अब मोनेटाइजेशन एनेबल है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करने की तरफ। तो उससे पहले यहाँ पे एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है करके। तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज है। तो अभी मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन में जाऊँगा तो नीचे लिखा है गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास FAQs हैं, हाउ विल आई बी पेड। यहाँ पे आप टच करेंगे कि मैं पैसे कैसे रिसीव करूँ, मतलब कैसे गूगल यूट्यूब आपको पैसे देगा, उसका जो मैनेजेशन है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे वगैरह लिखा है व्हाट इज एडसेंस के बारे में, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं फिलहाल नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। तो आपके पास एक नया टैब, नया पेज खुलेगा यहाँ पे, यूट्यूब प्लस गूगल एडसेंस, यानी आपका यूट्यूब चैनल से जो भी अर्निंग होगा वो गूगल एडसेंस में कैसे मैनेज होगा, वो इसके लिए गूगल एडसेंस से कनेक्ट करना पड़ता है। आप तभी पैसे रिसीव मतलब कमाएंगे अपनी वीडियो पे जब गूगल एडसेंस से, गूगल एडसेंस आपको तभी पैसे देगा जब आप एडसेंस से अकाउंट अपना लिंक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपका अकाउंट जो वो हो चुका है, आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे, जो अपना यूट्यूब चैनल है उससे आपका कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नेम और एड्रेस डालना होगा, तो मैं फिलहाल अपना नाम एड्रेस डाल देता हूँ आपका। तो अपना जब नाम एड्रेस आप डालेंगे उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो आपके यूट्यूब चैनल यानी गूगल के अकाउंट से लिंक हो जाएगा। जैसे आप अपने वीडियोस अपलोड करेंगे उन वीडियोस पे, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह मैं लिख लेता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी आपको लिखना है, यहाँ से आप लिख के यहाँ पे अपने थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको ऐड करनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पे अपने डिटेल्स ऐड करेंगे तो नीचे जो है कुछ और ऑप्शन है आपके पास, एडसेंस ईमेल प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आप उनको यस और नो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यस में करके जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद सबमिट माई एप्लीकेशन में मैं क्लिक करूँगा। थोड़ा बहुत एरर है तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये सब क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो दिख रहा है सबमिट माय एप्लीकेशन, उसमें क्लिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका जो डिटेल था वो यहाँ पे हो चुका है, टाइम जोन वगैरह जो भी आपको सेलेक्ट करना है सब कुछ यहाँ पे, यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे सीधे सबमिट माय एप्लीकेशन में। सबमिट माई एप्लीकेशन में जैसे आप करेंगे तो सबमिटिंग लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसमें जो उसका जो वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, SMS या फिर वॉइस कॉल द्वारा जिसके द्वारा आप चाहते हैं। तो मैं एक वेरिफिकेशन कोड के लिए अपना टेक्स्ट मैसेजिंग में क्लिक करता हूँ और सेंड वेरिफिकेशन कोड में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड में क्लिक करने के बाद आपके पास जो एक OTP आएगा, वन टाइप पासवर्ड, आपके नंबर पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने वहाँ पे ऐड किया है तो वो कोड आपको सीधे यहाँ पे एंटर करना है वेरिफिकेशन कोड पे। और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड पे एंटर करने के बाद आपको सीधे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई आपको नीचे दिख रहा होगा, इसमें टच करें। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद अब आपके पास गूगल एडसेंस ऑनलाइन टर्म्स ऑफ सर्विस ये सब आपके पास आएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो फिलहाल मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं सीधे यस आई हैव रीड एंड द एग्रीमेंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट
यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे तो नीचे जो क्लिक आप करेंगे तो वहाँ से रिडायरेक्ट होगा आपके यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से रिडायरेक्टिंग आपके यूट्यूब चैनल पर जैसे आएगा यहाँ पे आपके सामने दिखेगा योर एक्शन एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड इज बीइंग रिव्यूज, यू विल रिसीव ईमेल। मेरे पास मेल भी आ चुका है, इसका मतलब मेरा एडसन अकाउंट जो है मेरे यूट्यूब चैनल से लिंक हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आपका एडसन अकाउंट भी लिंक हो चुका है और आपके वीडियो पे मोनेटाइजेशन भी ऑन है। तो अभी क्या करें आप, सिर्फ आपका जो वीडियो था वो वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है आपने तो उसके जो उस पर जो व्यूज़ आएंगे और उन वीडियो पे जैसे जो लोग देखेंगे उन वीडियोस पे जो ऐड चलेंगे उन ऐड का जो भी पैसा आएगा उसका गूगल 45% अपने पास रखेगा और आपको 45% देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।